गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की योगी ने की हालत खराब। अब मुख्तार की पत्नी के खिलाफ योगी का कड़क मिजाज। अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी, रकबा करीब 235,000, बाजारों मूल्य करीब 3.5 करोड़ रुपए कुर्क किया जाता है। माफियाओं की नहीं चलेगी मनमानी, योगी राज में शामत आई भारी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की शामत आ चुकी है। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। योगी सरकार ने ठान लिया है कि सिर्फ मुख्तार नहीं बल्कि मुख्तार के परिवार को भी योगी चैन नहीं लेने देंगे। मुख्तार के किए हर अपराध में उनका साथ देने वाले परिवार पर अब योगी राज में गाज गिरने का वक्त आ गया है। प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की करीब 3.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ये आदेश दिया है। अभियुक्ता अफसान अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट की धारा मुकदमा अपराध संख्या 8/22 थाना दक्षिण टोला मऊ में वांछित अभियुक्त हैं, जिनके खिलाफ 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दी गई थी विवेचक द्वारा, सराय लखनसी प्रभारी निरीक्षक द्वारा, जिलाधिकारी मऊ महोदय के आदेश दिनांक 21/6/2022 के अनुक्रम में धारा 14(1) के अंतर्गत आराजी संख्या 70, रकबा करीब 235,000, बाजारू मूल्य करीब 3.5 करोड़ रुपए कुर्क किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी ने गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाकर अपने नाम से जमीन की खरीद की थी। ये जमीन शेखपुर परगना गाजीपुर में है। आफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी, थाना सरायल खसी और थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है। प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार मोर्चा खोले हुए है। उन पर शिकंजा कसने के साथ साथ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन माफियाओं के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने, अवैध संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की भी कार्रवाई कर रहा है। डीएम अरुण कुमार ने बताया, सरकार की मंशा के तहत गलत तरीके से कमाए गए धन से बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिले में इस तरह के कई अन्य के भी अवैध कमाईयों को चिन्हित किया जा रहा है। इन सभी के खिलाफ कुर्की का एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन लगातार माफियाओं के अवैध निर्माणों के साथ ही उस शस्त्र लाइसेंसों को भी रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है। इसी कार्रवाई की जद में आ गई है माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी। अब योगी राज में मुख्तार अंसारी के बाद उनकी पत्नी पर कार्रवाई की बारी है। हालांकि आफसा के खिलाफ पिछले महीने ही अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। ये अरेस्ट वारंट अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को लेकर ही जारी किया गया था। आपको बता दें, कभी पूर्वांचल की राजनीति में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था मुख्तार अंसारी का। अपनी दबंगई के लिए जिले में कुख्यात था अंसारी। पिछली सरकारों में उसे खूब फलने फूलने का मौका मिला था। वाराणसी मंडल के सभी जिलों में मुख्तार अंसारी का गैंग पिछले करीब 3 दशक से आतंक का पर्याय बना हुआ था। अवैध स्लॉटर हाउस, पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली, सरकारी जमीनों पर कब्जे, मछली का अवैध कारोबार, रंगदारी और दूसरे अन्य गैर कानूनी गतिविधियां खूब जोरों पर थी। योगी सरकार ने इन सब पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की। जब से योगी ने प्रदेश की सत्ता को संभाला है, तब से मुख्तार अंसारी जैसे न जाने कितने माफियाओं की कमर तोड़ कर रख दी गई है। आतंक में कमी क्या आई, बल्कि योगी ने तो मुख्तार जैसे अपराधियों का प्रदेश से सफाया ही कर दिया है, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया है। वैसे आप मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ योगी सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। अभियुक्ता अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट की धारा मुकदमा अपराध संख्या 8/22 थाना दक्षिण टोला मऊ में वांछित अभियुक्त हैं, जिनके खिलाफ 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दी गई थी विवेचक द्वारा, सराय लखनसी प्रभारी निरीक्षक द्वारा, जिलाधिकारी मऊ महोदय के आदेश दिनांक 21/6/2022 के अनुक्रम में धारा 14(1) के अंतर्गत आराजी संख्या 70, रकबा करीब 235,000, बाजारू मूल्य करीब 3.5 करोड़ रुपए कुर्क किया जाता है।